तो आज हम बात करेंगे पिवट टेबल में एक्सटर्नल डेटा सोर्स की। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पिवट टेबल हम एक्सटर्नल डेटा सोर्स से यूज करेंगे। ये आज की हमारी क्लास है और जितने भी क्लास के मेंबर्स हैं हमने उनको रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया। जिन्होंने सिस्टम से ज्वाइन किया है वो अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऐसे ही रिकॉर्डिंग आज मैं यूट्यूब पर भी भेज रहा हूँ, तो आप यूट्यूब से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बात नहीं सर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पिवट टेबल में एक्सटर्नल पिवट टेबल। अब एक्सटर्नल पिवट टेबल की जरूरत क्यों पड़ती है, इस चीज को पहले चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेटा पे पिवट लगाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि पिवट का एक्सटर्नल पिवट की जरूरत पड़ती क्यों है। जब भी आप पिवट लगाते हैं विद इन फाइल, तो आप एक सीट से दूसरे सीट का रेफरेंस लेते हैं और फिर उस पे पिवट आप लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें प्रॉब्लम होती है। किस तरह की प्रॉब्लम होती है, चलिए मैं इस डेटा पे आपको समझाता हूँ। तो मेरे सामने, आपके सामने एक डेटा का फाइल दिया हुआ है, डिलीट कर देता हूँ। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मान लीजिए नॉर्मल पिवट है, आपने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ इंसर्ट में गए और पिवट टेबल पे क्लिक करके ओके कर दिया, यहाँ पिवट टेबल हमारा बन गया। अब मैं पिवट टेबल में मान लीजिए नाम दे दिया, यहाँ पे क्वांटिटी दे दी। अब कल के डेट में इसमें एक नया नाम मैं ऐड कर देता हूँ नीचे, जैसे मैं यहाँ पे एक नाम डाल देता हूँ उपेंद्र, और ये चंडीगढ़ का है। यहाँ पे हमने अप्रैल महीना डाल दिया। अब मेरे यहाँ पे उपेंद्र नाम ऐड नहीं होगा। रीजन क्या कि हमने इसको लास्ट में ऐड किया है, लास्ट में ऐड किया है। तो क्या किया जाए जो पिवट में डेटा ऐड हो, तो फिलहाल तो हमें पिवट टेबल में जाके यहां चेंज डेटा सोर्स पे आना होगा और फिर से डेटा को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ये डेटा में आएगा। लेकिन हर बार अगर मान लीजिए कि आपका कोई डेटा है जिसपे पिवट लगा रखे हैं, एक के नीचे आप कॉपी पेस्ट करते हैं हर बार, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी कि जब भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको डेटा को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब तक आप उसको इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक वो आपका डेटा सक्सेस नहीं होगा, मतलब कि इसमें पिवट में इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो बेसिकली इसके तीन सॉल्यूशन है, दो मैं अभी बताऊंगा, एक हम आपको जब फॉर्मूले सिखाएंगे तब बताएंगे। तो दो में एक पहला है कि आप अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में डाल दें। जी हाँ, डेटा को टेबल फॉर्मेट में कैसे डालेंगे, डेटा को सिलेक्ट करें, यहाँ इंसर्ट में पिवट के बगल में भी होता है या होम पे भी आपका फॉर्मेट है जो टेबल होता है, दोनों में से कोई कोई दोनों एक ही है को ले सकते हैं। पिवट टेबल, टेबल पर क्लिक किया एंड ओके किया, अब मेरा टेबल हो गया। अब मैं इसमें अगर पिवट टेबल लगाऊंगा, इंसर्ट मान लीजिए पिवट टेबल लगाता हूँ, तो यहाँ पे डेटा रेंज नहीं, इस टेबल का नाम टेबल वन आ रहा है। जी हाँ, टेबल वन आ रहा है। और इस पर अगर मैंने पिवट लगा दिया और मान लीजिए मैंने इसको नेम दे देता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी दे देता हूँ, अब मैं कुछ कोई भी चेंजिंग अगर डेटा में करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नया नाम नितेश जोड़ता हूँ, नितेश नितेश, और यहाँ पे दिल्ली, अब देख रहे हैं टेबल ने उसको अपने अंदर ऑटोमेटिक ले लिया है। और अब मैं जस्ट यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, निदेश आ जाएगा। लेकिन ये भी 100% सही नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर टेबल को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइप करते समय तो चलो टेबल अपने आप उसको अंदर ले लेता है, टेबल इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जब आप उसको ए करेंगे, आप जब उसको टेबल में क्लिक करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसके लिए क्या करें, तो इसलिए दूसरा तरीका, सबसे पहले इस डेटा को टेबल से हटा के मुझे कन्वर्ट टू रेंज करना है। कन्वर्ट टू रेंज पे ए नॉर्मल नॉर्मल डेटा पे हो गया, अब टेबल से हट गया।
तो दूसरा तरीका है वो है एक्सटर्नल पिवट टेबल। जी हाँ, एक्सटर्नल पिवट टेबल यूज हम कर सकते हैं। मैं एक बार इसको सेव कर देता हूँ और पहले फाइल का लोकेशन देख लेते हैं डॉक्यूमेंट में। चलिए, तो हम क्या करेंगे, पिवट में जाएंगे, पिवट टेबल, और यहाँ पे यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स को लेंगे। यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शन, चूज कनेक्शन पे जाएंगे, ब्राउज फॉर मोर, और यहां से हम अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे। हमने पी डेटा को सिलेक्ट कर लिया एंड ओपन किया। उसके बाद यहाँ पे आपका, क्योंकि इसमें कई सारे जितने शीट्स होंगे वो शीट्स का लिस्ट यहाँ दिख जाएगा, लेकिन मुझे इसमें से तो वही शीट चाहिए जिसपे डेटा है, तो हमने डेटा को सिलेक्ट किया एंड ओके, एंड यहाँ ओके कर देता हूँ। आपके सामने आ गया। यहाँ पे अब मैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि हमने नेम को यहाँ रख दिया और हम यहाँ क्वांटिटी को रख देते हैं, तो आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे कुछ नया ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं एक नया नाम, नाम भी तो भूल जाता हूँ मैं, चलिए राकेश जी का नाम डाल देते हैं। ऐड कर दिया। अब मुझे इसको एक बार सेव करना है। यहां पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है। कोई इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सबसे बेटर है। और दूसरा, इसमें एक छोटी सी एक और प्रॉब्लम है, जैसे यहां पे मान लीजिए कि डेट में ऐड कर देता हूं, एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या होती है उसको बता देता हूँ आपको। हमने डेट को यहाँ ऐड कर दिया, तो अब मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ डेट ऐड नहीं होगा। तो आपका डेटा में सिर्फ कॉलम रो ऐड होगा, कॉलम ऐड नहीं होगा, अगर आप लेते हैं एक्सटर्नल डेटा। तो याद रखिएगा, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इसका एक और बेनिफिट है कि जैसे कि आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है, तो रिफ्रेश का शेड्यूल जो है आप ऐड कर सकते हैं। कहाँ पे, डेटा में जाइए, यहां कनेक्शंस में, क्यूरी एंड कनेक्शंस में जाइए, और थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्यूरी कनेक्शन खोलने में। अब यहां पे आप एक, यहां पे डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में आइए। प्रॉपर्टीज में देखिए आपको रिफ्रेश एवरी मिनट्स, मतलब कि कितने मिनट पे आपको ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देना, या फिर जब भी मेरी फाइल ओपन हो वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए, ऐसे रिफ्रेश का शेड्यूल आप डाल सकते हैं इसमें। इसका एक बेनिफिट है। तो ये हमारा विद इन फाइल का एक्सटर्नल डेटा सोर्स था कि एक फाइल में हम कैसे एक्सटर्नल डेटा को यूज करते हैं। किसी को डाउट इस पे? पर्पस था ऑटोमेटिक डेटा को, आफ्टर ऑटोमेटिक डेटा को अपडेट करने के लिए बार बार पिवट को रीसेलेक्ट ना करना पड़े। लेकिन उसका एक और दूसरा यूज है इसका, जैसे कि आपके ऑफिस में बहुत बड़े बड़े फाइल होंगे। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े फाइल आपके ऑफिस में होंगे। जब भी उस फाइल को आप ए करते हैं, ओपन करते हैं, तो काफ़ी लंबा टाइम लेता है, काफ़ी लंबा में ओपन होने में काफ़ी टाइम लेता है, और फिर उस पे जब भी कुछ करते हैं तो काफ़ी परसेंटेज कैलकुलेशन दिखाता है और बहुत ही इरिटेशन होती है उससे। तो मैं चाहता हूँ, और दूसरी तरफ फाइल हमारे सिक्योर है, हर कोई अब फाइल पे काम करने के लिए उस फाइल को ओपन करता है, और हमें हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई इस फाइल को छेड़छाड़ ना कर दे। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, मैं फाइल को बिना ओपन किए ही उसमें, फाइल को बिना ओपन किए ही उसमें हम कैलकुलेशन कर से पिवट लगा सके। तो कैसे करेंगे, हम इंसर्ट में जाते हैं, पिवट टेबल, और यहाँ यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स होगा, इसमें जाएंगे, चूज ब्राउज कनेक्शंस, यहाँ पे जो होता है रिसेंटली, जैसे आपने जो पिवट रिसेंटली यूज किया है ना वो होता है, तो अगर आपने रिसेंटली यूज किया है तो इसको ले लीजिए, अदरवाइज आप जाइए
ब्राउज फॉर मू, और इसमें ब्राउज फॉर मोड में अपना पिवट को अपनी डेटा को सिलेक्ट कर लिया जहां आपका डेटा है, उसको सिलेक्ट किया एंड ओपन, और फिर जो डेटा चाहिए उस डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड ओके कर दीजिए। अब यहां पे आपका पिवट लग गया। तो फाइल को बिना ओपन किए हमने पिवट लगा लिया, जी हाँ, फाइल को बिना ओपन किए। और इस पे क्या होगा कि आप एक बार पिवट लगाते समय फाइल हैंग होगी, उसके बाद फाइल आपका हैंग भी नहीं होगा, तो इसको आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आपके पास अगर मान लीजिए कि आपका डेटा एक्सेल पे नहीं है, आपका डेटा एमएस एक्सेस डेटाबेस पे है, तो भी आप पिवट टेबल में एमएस एक्सेस डेटाबेस से भी डेटा को लगा सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल डेटा सोर्स में आइए, चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर, और यहाँ आप अपने लोकेशन पे जाइए जहां आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे पी डेटा को सिलेक्ट किया एंड ओपन किया, अब यहां से पता चल गया कि कौन सा डेटा आपका है, क्यूरी है, डेटा है, क्या है। तो मैं बी एन क्यूरी को ले लिया और यहां पे ओके किया एंड ओके कर। और यहां से आप इजीली अपने पिवट को लगा सकते हैं। इस तरह से अगर और कोई डेटा सोर्स में जैसे कि एसक्यूएल में, ओरेकल में पड़ा हो, तो आप चूज कनेक्शन पे जा सकते हैं, ब्राउज फॉर मोर पर, यहाँ न्यू सोर्स पे आए, जैसे एसक्यूएल सर्वर में है एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल है तो आपका ओरेकल ले सकते हैं, या कोई और अदर डेटा सोर्स है तो यहाँ पे अदर डेटा सोर्स में ये प्रोवाइडिंग डाल सकते हैं। आप प्रोवाइडिंग कैसे पता चलेगा, तो जो डेटाबेस सोर्स होगा उस सोर्स आपको ये चीज के बारे में बता देगा। जैसे कि अगर आप कोई और यूज करते हैं ना डेटाबेस, जैसे बहुत सारी कंपनी अपनी खुद की डेटाबेस चलाती है, तो टैग टीम आपको बता देगी कि हाँ इसमें इसका क्या 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 प्रोवाइडिंग है, उनसे पता ले सकते हैं। दूसरा चीज, अभी क्या है कि मेरे पास एक लोकेशन है जहां से मुझे बार बार पिवट को डाउनलोड करना होता है। जी हाँ, एक लोकेशन है जहां से मुझे बार बार पिवट को डाउनलोड, डेटा को डाउनलोड करके पिवट लगाना पड़ता है, डेटा को डाउनलोड करके पिवट लगाना पड़ता है। कुछ ऐसा हो जो कि मुझे बार बार पिवट को डाउनलोड ना करना पड़े, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे कुछ ऐसा फाइल है, जैसे एक मैं इंटरनेट पर खोजता हूँ, लेकिन खोजना भी तो मुश्किल है इंटरनेट पर, पहले तो आराम से मिल जाता था।
आसानी से आ जाता था, डॉट एक्सलेस एक्स टाइप करते थे आसानी से आ जाता था। अब यहाँ पे ये फाइल नहीं आ रहा है, कुछ दिन पहले लग रहा चेंज हुआ है सारा सिस्टम। ये हमारा सैंपल डेटा, नेटवर्क क्या हो गया, जैसे कि मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी लिंक कर देता हूं, ठीक है, तो बार बार फाइल को डाउनलोड करके पिवट लगाने की जरूरत नहीं है। पिवट टेबल पे जाएं और यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स पे आए, ब्राउज फॉर मोर। अब ये इंटरनेट का पाथ नहीं, आपको किसी भी तरह का पाथ में प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह के पाथ में प्रॉब्लम हो तो वहां आप यहाँ इस पे डाल सकते हैं। बस फाइल का पाथ दे दीजिए, वो ऑटोमेटिक पूरा सेट कर देगा। और यहां पे हम ओके करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है और खुद बखुद पिवट बना देता है। जी हाँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, वो टाइम आपकी इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है कितना लेगा। अभी क्या है कि मेरा एक गोटो मीटिंग चल रहा है, इस कारण से वेब वेब का स्पीड जो है जूम पे और बाकी पे वेब स्पीड कम कर देता है। तो समझ में आ रहा है आपको आके जी, एक्सटर्नल पिवट टेबल है सर। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक्सेल की चीज को तो पिवट में यूज कर ही सकते हो, लेकिन एक्सेल से बाहर की चीजें या फिर एक्सेल की अनोदर फाइल, उसकी डेटा कॉपी करके पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उससे लिंक कर सकते हैं। या फिर अदर डेटा सोर्स जैसे कि आपका पिवट टेबल हो गया, अच्छा आपका एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, ऐसे डेटाबेसेस से भी हम पिवट टेबल का यूज कर सकते हैं। ओके, और इसका बेनिफिट क्या होता है कि हमें उस डेटा से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ता, उससे लाइव कनेक्टेड हो जाता है। जैसे मान लो एक्सेस में आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो एक्सट्रैक्ट करके भी पिवट लग गया, लेकिन स्ट्रैक करने में क्या होगा कि अगले दिन फिर दोबारा स्ट्रैक करना पड़ेगा जब आपका डेटाबेस अपडेट होगा तो। बट ऐसा करने से, ऐसा अगर आपने एक्सेस से डायरेक्ट इंपोर्ट कर लिया, फिर लिंक कर दिया एक्सटर्नल डेटा एक्सटर्नल पिवट टेबल से, तो अगली बार अगर डेटा स्ट्रैक होता है, डेटा अपडेट होता है, तो आपको दोबारा स्ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, बस रिफ्रेश कर दीजिए। तो हर दिन एक नया फाइल डाउनलोड करके पिवट लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ ही इसका यूज कर सकते। समझ गए सर? दूसरी चीज, जैसे किसी वेबसाइट से या किसी से आप पिवट लगाना चाहते हैं, तो आप इसका पाथ, इसी तरह से पाथ हमने किया है, ऐसे पाथ पेस्ट करके ओपन कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपका पिवट लगा देगा। और जब भी आपकी इस डेटा इस पे फाइल अपडेट होगी, रिफ्रेश करेंगे, ऑटोमेटिकली ये आपका रिफ्रेश करके डेटा डाल देगा, तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट से। लेकिन एक दिक्कत है पिवट में कि डेटा अपडेट तभी होगा जब आप रिफ्रेश करेंगे। तो एक्सटर्नल डेटा सोर्स में आपका यहाँ पे ये भी है कि आप एक्सेल का ये कर सकते हैं, मतलब कि ऑटोमेटिक अपडेट का यूज कर सकते हैं, भाई शेड्यूल लगा सकते हैं कितने मिनट में या फिर जब मैं ओपन करूँ तो उसका ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है, ये वही दिक्कत है, वो नहीं हो पा रहा है, इस कारण से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो इसको आप लोग ट्राई कीजिए कल की क्लास में। अभी जो हमने आज तक जो पिवट पढ़ा दिया वो 2007 की पिवट पढ़ा दी है, 7 का पिवट आज खत्म होता है। अब 7 के बाद का जो पिवट है स्लाइसर्स का और बाकी चीजों का, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, तो 13, 16, 19 पे वो यूज होने वाले पिवट के फीचर्स हम कल से करेंगे। आप लोगों के पास कोई डाउट या क्वेश्चन है तो वन बाय वन पूछ सकते हैं। सर लास्ट क्लास का थोड़ा सा यूट्यूब लिंक जो होगा मेरे को ये व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना सर। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ठीक है, इट्स ओके, बाय।